हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे शाहरुख खान और विजय सेतुपति की ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी जवान को लेकर। फ्रेंड, कल है 13 अक्टूबर और कल है इंडियन नेशनल सिनेमा डे। तो कल आप सबको पता है कि टिकट्स 99 रुपीज़ में मिलेंगे किसी भी मूवी के, लेकिन ये ऑफ़र हर जगह नहीं है और हर फॉर्मेट में भी नहीं है। यानी इसमें 3D नहीं है, 4DX नहीं है और 3D IMAX नहीं है, लेकिन सिंगल स्क्रीन्स और नेशनल चेन्स पे काफ़ी जगह 99 रुपीज़ में आपको टिकट मिलने वाला है। कैन यू इमेजिन कि एक मूवी जिसे अब आए एक मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया है, कल नेशनल सिनेमा डे पे उसका हर जगह हाउसफुल का बोर्ड आपको दिखाई देने जाएगा। कैन यू इमेजिन इट, ये पोटेंशियल है जवान मूवी का। ये है उसकी रिपीटेबल ऑडियंस। जिसने जवान मूवी 2 बार 3 बार देख चुकी है ऑलरेडी, कल वो एक बार फिर रिपीट करने जा रहा है। फ्रेंड, अगर आपको हम एग्जैक्ट डाटा बताएं तो अभी इंडियन टाइम के मुताबिक 3 PM तक जवान मूवी ने कल के लिए सिर्फ 1,30,000 टिकट सोल्ड आउट कर लिए हैं। और रात तक एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि ये आंकड़ा एडवांस बुकिंग की मद में 2 लाख तक चला जाए। फ्रेंड, अगर सिर्फ 2 लाख टिकट ही हम कैश पकड़ लें तो 2 करोड़ सिर्फ एडवांस बुकिंग से कल जवान मूवी अर्न करती दिखाई दे रही है। यानी माइट बी पॉसिबल कि कल जवान मूवी एक बार फिर आपको डबल डिजिट में अर्निंग करता दिखाई दे। फ्रेंड, ये शो करता है लोग कितना प्यार करते हैं शाहरुख खान से और कितना प्यार उन्होंने किया है शाहरुख खान की इस मूवी जवान से। फ्रेंड, लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि ब्रह्मास्त्रा को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हासिल हो गया था नेशनल सिनेमा डे का, क्योंकि जब भी टिकट प्राइसेस कम होते हैं तो पब्लिक खिंची चली जाती है थिएटर्स में और हर तरफ आपको हाउसफुल का बोर्ड दिखाई देता है। एक चर्चा भी, एक बहस भी हर तरफ होती है कि क्या सिनेमा मालिक को वाकई प्राइसेस कम कर देनी चाहिए मूवीज़ की ताकि और ज़्यादा फुटफॉल्स आएँ, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा फुटफॉल एक्सपेक्टेड है। फ्रेंड, जहाँ जवान ने बॉलीवुड के और काफ़ी इंडियन सिनेमा के रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, वहाँ कल आई थिंक एक और रिकॉर्ड जवान क्रिएट करने जा रहा है। वो ये कि एक मूवी जो कि अपने 5th-6th week में आके डबल डिजिट में अर्निंग करेगी, वो भी वीकडेज में। तो ऑल क्रेडिट गोज टू द जवान टीम। शाहरुख खान का जो ग्रेटेस्ट कमबैक था वो अपने पीक पे है और अभी सारा मोमेंटम उन्हें मिलेगा डंकी की सूरत में। तो क्या कहना है आपका जवान के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।